इस वीडियो में हम बात करेंगे 2002 की फिल्म रेस्पिरो के बारे में, जो कहानी है ग्राजिया नाम की औरत की, जो अपने पति और तीन बच्चों के साथ एक आइलैंड पर रहती है। इटली से कुछ दूर एक आइलैंड पर पास्किल नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ चिड़िया पकड़ रहा था। वो हर रोज उनके साथ मिलकर शैतानियां करता है और उस इलाके के दूसरे बच्चों को परेशान करता है। पास्कल की मारिनेला नाम की बहन और फिलिपो नाम का भाई है, पर वो घर में सबसे ज्यादा अपनी माँ ग्राजिया के करीब है। ग्राजिया अपने बच्चों से प्यार तो करती है, पर वो अजीब सा बर्ताव करती है। वो अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए उन्हें खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। पास्कल अलेसांद्रा नाम की एक लड़की को पसंद करता था, पर एक रात जब वो उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश करने लगा तो फिलिपो ने उसके लिए सब कुछ बिगाड़ दिया। पास्कल उसी आइलैंड पर काम करता था और एक दिन काम के बीच ग्राजिया उसके पास आई और उसे फिलिपो के साथ बीच पर ले जाने लगी। बीच के पास एक आदमी आवारा कुत्तों को संभालने का काम करता है और ग्राजिया उन्हीं कुत्तों तक हर रोज खाना पहुंचाती है। ग्राजिया के बच्चे ये समझने लगे थे कि उसका बर्ताव दिन पे दिन बदल रहा है। वो अपने बच्चों के साथ बीच पर मजे कर रही थी, पर कुछ देर बाद ग्राजिया का पति पियत्रो वहां आ गया। पियत्रो एक मछुआरा है जो कई दिनों तक घर से दूर रहकर मछलियां पकड़कर लाता है। आइलैंड के दूसरे लोगों की तरह पियत्रो भी जानता था कि उसकी पत्नी अजीब सा बर्ताव कर रही है, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाया। ग्राजिया असल में डिप्रेशन से गुजर रही थी, इसलिए लोगों को ये लगने लगा कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। एक रात उनके घर में वो बच्चा आया जिसे पास्कल ने चोट पहुंचाई थी, और उस बच्चे के पिता के कहने पर पियत्रो ने पास्कल को उसकी शैतानी के लिए सजा दी। झगड़ा सुलझाने के लिए पियत्रो ने उस बच्चे और उसके पिता को अपने घर में बुलाया, पर अचानक ग्राजिया को दौरा पड़ा और वो घर की चीजों को तोड़ने लगी। पियत्रो उसे शांत करने की कोशिश करता रहा और किसी तरह उसे दवाई देकर शांत कर दिया गया। पियत्रो के परिवार वाले अब ग्राजिया से डरने लगे थे और चाहते थे कि उसे किसी पागल खाने में डाल दिया जाए, पर पियत्रो अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। पास्कल को अपनी माँ की फिक्र होने लगी थी और वो ग्राजिया का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने ग्राजिया से वादा किया कि वो उसके लिए समंदर के पास एक घर बनाएगा जहाँ कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। पास्कल के अलावा पियत्रो को भी ग्राजिया की फिक्र सताने लगी थी और वो उसे खुश देखना चाहता था। एक दिन आइलैंड पर घूमते हुए ग्राजिया और मारिनेला के सामने लुइजी नाम का एक पुलिस वाला आया और उससे मिलते ही मारिनेला उसे पसंद करने लगी। धीरे धीरे आइलैंड के लोग ये बात फैलाने लगे कि ग्राजिया को एक पागल खाने में डाला जा रहा है, और ये सब कुछ सुनकर ग्राजिया अपना आपा खो बैठी। उसकी दूसरी औरतों से लड़ाई हो गई और गुस्से में वो घर से दूर भाग गई। वो बीच की ओर दौड़ी जहां शांत होने के लिए वो समंदर में कूद गई। इस बात से अनजान मारिनेला अपने दोस्तों के साथ शहर की ओर जा रही थी, पर फिर लुइजी ने उसका पीछा करना शुरू किया क्योंकि मारिनेला के पास लाइसेंस नहीं था। जब मारिनेला अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि ग्राजिया कुत्तों को नहला रही है, और जब तक लुइजी उस घर तक पहुंचा तब तक मारिनेला उसका ध्यान भटकाने की कोशिश में लग गई। वो ऐसा करने में कामयाब हुई और लुइजी लाइसेंस के बारे में पूछना भूल गया। दूसरी ओर पास्कल अपने भाई और दोस्त के साथ समंदर से खाने की चीजें इकट्ठा करने में लगा था, मगर जैसे ही वो पानी से बाहर निकला उन्हीं लड़कों ने उससे बदला ले लिया जिन्हें वो परेशान किया करता था। पियत्रो और ग्राजिया दोनों उसकी चोट का इलाज करने लगे और ऐसा करते हुए उनका रिश्ता फिर से सुधरने लगा। एक तरफ मारिनेला लुइजी के करीब जाने की कोशिश में लगी थी तो दूसरी तरफ पास्कल और फिलिपो मछलियां पकड़ने में अपने पिता की मदद कर रहे थे। उस दिन बहुत सारी मछलियां मिलने पर फिलिपो उस औरत के पास गया जो मछलियों के बदले लॉटरी टिकट देती है, और पहली बार लॉटरी जीतकर फिलिपो ने अपने लिए टॉय ट्रेन खरीद ली, जिसे देखकर उसका पूरा परिवार खुश हुआ। मगर इस बीच ग्राजिया बच्चों को मेकअप लगा रही थी और ग्राजिया और उन बच्चों को देखकर फिर से उसे पागल समझा जाने लगा। जल्द ही मारिनेला और लुइजी का रिश्ता शुरू हुआ और पास्कल को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। वो दोनों समंदर किनारे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, पर मारिनेला के दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ उन्हें परेशान करने लगे। फिलिपो जबरदस्ती मारिनेला को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा और उसे लुइजी से दूर रखने लगा। लुइजी उसकी हरकतों से परेशान हो गया, पर फिलिपो ने उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। दूसरी ओर पियत्रो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा था, पर अचानक वहाँ ग्राजिया आ गई और उन सबसे बातें करने की कोशिश करने लगी। पियत्रो को शर्मिंदगी महसूस होने लगी, इसलिए उसने ग्राजिया को वहाँ से जाने के लिए कह दिया।
उस रात पियत्रो ने पास्कल को नींद से जगाया और उसे ग्राजिया के कुत्ते को कमरे से बाहर निकालने के लिए कहा। वो उन कुत्तों से परेशान होने लगा था, इसलिए उनमें से एक को वो घर से दूर ले जाने लगा। ना चाहते हुए भी पास्कल को उसे गाड़ी में डालना पड़ा और पियत्रो ने उस कुत्ते को घर से दूर ले जाकर उसे मार दिया। अगली सुबह ग्राजिया को अपना कुत्ता कहीं नजर नहीं आया। वो पास्कल के साथ उसे ढूंढने निकली, पर वो कुत्ता उसे कहीं नहीं मिला। अचानक ग्राजिया दो मछुआरों के पास चली गई जो फ्रांस की ओर जा रहे थे। ग्राजिया कुछ घंटों के लिए उनके साथ आइलैंड से दूर जाना चाहती थी और जब उसके बच्चे उसे रोकने की कोशिश करने लगे तो वो उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगी। ठीक उस वक्त वहाँ पियत्रो आ पहुँचा और ग्राजिया को उस बोट से निकलने के लिए कहने लगा। वो उसे बोट से निकालने में कामयाब तो हुआ, पर उसकी उनमें से एक मछुआरे से लड़ाई हो गई। उस वक्त ग्राजिया को पता चल गया कि पियत्रो ने पिछली रात उसके कुत्ते को मार दिया था। वो गुस्से में वहाँ से दूर भाग गई और आइलैंड के पास मौजूद सारे आवारा कुत्तों को उसने आजाद कर दिया। उसकी इस हरकत की वजह से आइलैंड के लोग डर गए और उन लोगों के साथ मिलकर पियत्रो ने उन कुत्तों को गोली मारकर उनकी जान ले ली। इस सब की वजह से गांव वाले पियत्रो को समझाने लगे कि ग्राजिया का आजाद घूमना खतरे से खाली नहीं और मजबूरी में पियत्रो को उसे पागलखाने भेजने का फैसला लेना पड़ा। ग्राजिया किसी पागलखाने में जाने के लिए तैयार नहीं थी, पर पियत्रो और परिवार के दूसरे लोग उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उस रात फिलिपो ने अपनी माँ को बेहतर महसूस कराया, पर अगली सुबह पियत्रो को पता चला कि ग्राजिया घर में मौजूद नहीं है। जब पास्कल अपनी माँ को ढूंढने निकला तो उसे पता चला कि वो घर से भाग रही है। वो पागल खाने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए पास्कल उसे शांत करके अपने साथ ले गया। वो उसे एक ऐसी गुफा में ले गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। पास्कल उस गुफा में अकेले वक्त बिताने आया करता है और वो जानता था कि उसकी माँ वहाँ सुरक्षित रहेगी। घर लौटकर उसने अपने परिवार से कहा कि उसे ग्राजिया कहीं नहीं मिली। फिलिपो ग्राजिया के जाने से निराश था, पर पास्कल ने उसे सच नहीं बताया। पास्कल ने पियत्रो को भी कुछ नहीं बताया और छिपकर वो ग्राजिया के लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान ले गया। वो जानता था कि अगर ग्राजिया वहाँ से बाहर आई तो उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा, इसलिए उसने ग्राजिया के वहाँ रहने की सारी तैयारी कर ली। अगली सुबह पियत्रो के साथ दूसरे गांव वाले भी ग्राजिया को ढूंढने लगे और उसे ढूंढते हुए पियत्रो वहाँ की गुफाओं के पास चला गया। पास्कल उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर वो रुका नहीं। फिर भी उसे ग्राजिया के बारे में कुछ पता नहीं चला। अचानक कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ग्राजिया मिल गई है, पर जब पियत्रो उन लोगों के पास बीच पर पहुंचा, तो उसे पता चला कि उन लोगों को सिर्फ ग्राजिया के कुछ कपड़े मिले हैं। वो वही कपड़े थे जो ग्राजिया ने तब पहने थे जब वो घर से निकली थी, इसलिए हर कोई ये सोचने लगा कि ग्राजिया ने समंदर में कूद कर अपनी जान दे दी है। सिर्फ पास्कल सच जानता था और हर रात अपनी माँ तक खाने पीने का सामान पहुँचा रहा था। ग्राजिया जानना चाहती थी कि बाहरी दुनिया में लोग उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं या नहीं, पर पास्कल ने उसे कुछ नहीं बताया। पियत्रो अपनी पत्नी की मौत के बारे में सोचकर इतना परेशान हो गया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसे इस तरह देखकर पास्कल भी खुश नहीं था, क्योंकि ग्राजिया के कपड़े उसी ने समंदर किनारे रखे थे, मगर अब भी पास्कल उसे सच नहीं बता पाया। अचानक पास्कल गांव वालों के सामने बेहोश हो गया और घंटों तक वो होश में नहीं आया। वो बीमार हो गया और उसे ठीक करने के साथ साथ पियत्रो ग्राजिया को ढूंढने की कोशिश में लगा रहा। ग्राजिया को ढूंढने की उम्मीद में उसने मदर मैरी की मूर्ति समंदर में रख दी और गांव वाले यही सोचने लगे कि ग्राजिया समंदर में समा गई है। कुछ दिन गुजरे पर पास्कल अब भी होश में नहीं आया। नींद में पास्कल ने किसी मुर्गी की बात की थी और ये सुनकर लुईजी और फिलिपो मुर्गी पकड़ने लगे। जैसे ही फिलिपो ने उस मुर्गी को पास्कल के शरीर पर रखा, वो होश में आ गया और बिना वक्त गवाए मुर्गी को लेकर ग्राजिया के पास चला गया। वो सिर्फ ग्राजिया तक खाना पहुंचाना चाहता था, पर ग्राजिया ये सोचकर परेशान थी कि कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं कर रहा। पास्कल ने कह दिया कि पियत्रो सोचता है कि ग्राजिया मर चुकी है, इसलिए उसने समंदर में मदर मैरी की मूर्ति डाल दी है। ये सुनकर ग्राजिया बिल्कुल खुश नहीं थी। उस आइलैंड पर एक त्योहार मनाया जाने वाला था और पियत्रो के परिवार वाले उसे भी त्योहार का हिस्सा बनाना चाहते थे। पियत्रो उनके साथ जाने के लिए मान गया और फिर उसने ग्राजिया को पानी में तैरते हुए देखा। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको ये बात बताने लगा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पास्कल को भी पता चला कि ग्राजिया गुफा से बाहर आ गई है और वो वहाँ से निकलकर गांव वालों के साथ त्योहार की तैयारियों में लग गया। त्योहार का जश्न शुरू हुआ और उस जश्न के बीच पियत्रो तैरने चला गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने फिर से ग्राजिया को देखा है। गांव वाले भी उसका पीछा करने लगे और फिर पियत्रो को पानी में ग्राजिया मिल गई। ग्राजिया का मिलना उन सबके लिए एक चमत्कार की तरह था और इस चमत्कार को भगवान का आशीर्वाद समझकर गांव वाले ग्राजिया को सुरक्षित पानी से बाहर ले आए और उन्होंने उसे फिर से अपना लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।